बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में 50 साल यानी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। सुबह से लेकर रात तक बिग बी के फैंस दिल खोलकर उन्हें इस बड़ी अचीवमेंट के लिए बधाई दे रहे थे। सुबह से लेकर रात तक महानायक अमिताभ बच्चन के चाहने वाले बिग बी के लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस लिख रहे थे, ये दुआएं कर रहे थे कि आगे आने वाले 5 सालों तक भी बिग बी इसी तरह से सबको एंटरटेन करते रहें। लेकिन रात को महानायक अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा संदेश अपने चाहने वालों के नाम छोड़ा जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। बिग बी ने एक ऐसा ब्लॉग लिखा और ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें लिखी जिसे हर कोई पढ़कर परेशान हो गया। 77 साल के अमिताभ को डॉक्टर्स क्या कहते हैं? 77 साल के अमिताभ ने डॉक्टर्स की सलाह के बाद अपने करियर को लेकर कौन सा कदम उठाया है? बिग बी के लिए आखिर क्यों सिनेमा जगत के साथ जुड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है? आखिर क्यों महानायक अमिताभ बच्चन के लिए अब एक्टिंग करते रहना, पर्दे से जुड़े रहना कठिन होता जा रहा है? ये अपने ब्लॉग में खुद बिग बी ने बताया है। क्या कहा है बिग बी ने ऐसा जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस का दिल टूट गया है, देखिए जरा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जो उनके फैंस को काफी ज्यादा मायूस कर रही है। 77 साल के अमिताभ के पास कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स हैं। कौन बनेगा करोड़पति को वो शूट कर रहे हैं। और इन्हीं सबके बीच में बता दे आपको, बिग बी ने बीते कल एक ब्लॉग शेयर किया और इस ब्लॉग ने बिग बी के चाहने वालों को काफी ज्यादा चिंतित कर दिया है। ठीक सुन रहे हैं आप, महानायक अमिताभ बच्चन ने कल रात एक ब्लॉग लिखा। बिग बी हमेशा अपने मन की बात को ब्लॉग के जरिए पहुंचाते हैं अपने चाहने वालों तक, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही किया है। महानायक अमिताभ बच्चन का ये ब्लॉग बताता है कि किस तरह से बिग बी अपने चाहने वालों को एंटरटेन करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को बिग बी की सेहत की चिंता है। बिग बी का ये ब्लॉग बताता है कि वो अपने चाहने वालों के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को महानायक अमिताभ बच्चन की सेहत की चिंता है, और इसीलिए डॉक्टर्स चाहते हैं कि बिग बी अब सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करे। ब्लॉग में बिग बी क्या लिखते हैं, चलिए आपको बताते हैं। कुछ तस्वीरें बिग बी ने शेयर की हैं और लिख रहे हैं, द टनल एट द NSSH. Indeed, several tunnels and some more probing with a meter in hand that sonographs. A few on the site injectables at various locations on this minefield of a body. Some venous strips punctured and a few stripped in. A few hardcore instructions to follow and back to the grind despite the stethoscope dressed messengers from the heaven giving strong warnings of work cut off or else. Mahanayak Amitabh Bachchan ka ye blog jisme Big B ne apna dard baya kiya hai. Is blog ko padhne ke baad na jaane kitne hi hazaron logo ki aankhein nam hai, kyunki is blog ke zariye Big B ne ye baat apne chahne walon tak pahunchayi hai ki ab doctors chahte hain ki kaam se break le lun. अब डॉक्टर्स चाहते हैं कि काम को छोड़ दूं, लेकिन आपको एंटरटेन करना चाहता हूं और आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। डॉक्टर्स को स्वर्ग का दूत बताते हुए बिग बी ने बताया है कि डॉक्टर्स ने उन्हें काम ना करने की सलाह दी है, लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन काम करना चाहते हैं। बता दें आपको, बिग बी की खराब तबीयत इसे लेकर लगातार खबरें आती हैं, और इन्हीं खबरों के बीच बिग बी का ये ब्लॉग काफी ज्यादा उनके चाहने वालों को परेशान कर रहा है। बिग बी कहते हैं, डॉक्टर्स ने कहा है काम से दूरी बनाऊं, लेकिन काम के बिना मैं अधूरा हूं। फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 साल यानी हाफ सेंचुरी पूरी करने वाले अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं, और सबसे बुरी खबर केबीसी को लेकर ही आई है। कौन बनेगा करोड़पति जिसकी जान है बिग बी,
कौन बनेगा करोड़पति, जिसकी पहचान है बिग बी, खबर आ रही है कि यहाँ महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी का ये आखिरी सीजन है जिसे होस्ट कर रहे हैं। इसके बाद केबीसी के साथ बिग बी का हाथ कभी नहीं जुड़ेगा। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति और बिग बी का ये साथ टूट जाएगा। केबीसी को लेकर आपको बता दें, महानायक अमिताभ बच्चन पहले ही बता चुके हैं, जब उन्होंने इस शो को करने का फैसला लिया था उस वक्त उनका पूरा परिवार खिलाफ था। बिग बी साफ कह चुके हैं कि मेरा परिवार नहीं चाहता था मैं कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करूं, लेकिन मैंने इसे होस्ट किया। और अब जिस तरह से बिग बी ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है, ऐसा ही मालूम पड़ता है कि शायद ये साथ अब इस सीजन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से महानायक अमिताभ बच्चन को डॉक्टर्स ने काम छोड़कर आराम करने की सलाह दी है, लेकिन बिग बी के जज्बे को यकीनन सलाम करने का जी चाहता है। बिग बी ने भी कर लिया है फैसला, डॉक्टर्स की बात नहीं मानेंगे, अपने चाहने वालों का ख्याल रखेंगे। ये जो एक्टिंग के साथ, काम के साथ प्यार है ना महानायक अमिताभ बच्चन का, इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री उनकी कायल है, इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री उन्हें प्यार करती है, इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री महानायक अमिताभ बच्चन का सम्मान करती है। और यही सम्मान बीते कल ट्विटर हैंडल पर देखने को मिला। फरहान अख्तर से लेकर शिल्पा शेट्टी और शिल्पा से लेकर करण जौहर तक, इन सब ने 50 साल बेमिसाल पर बिग बी को ट्वीट करके बधाई दी, दिल छू लेने वाली बातें कही। क्या कुछ कहा देखिए जरा। लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने 50 साल बेमिसाल पूरे होने पर दिल खोलकर महानायक अमिताभ बच्चन पर प्यार लुटाया है, और बिग बी पर प्यार लुटाती फिल्मी हस्तियों का ये वीडियो हर किसी का दिल छू रहा है। बता दें आपको, लोग महानायक अमिताभ बच्चन का सम्मान करते हैं और उससे भी ज्यादा उनके काम को प्यार करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सबने क्या क्या ट्वीट किए। फरहान अख्तर लिखते हैं बिग बी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित अंकल ऑन कंप्लीटिंग 50 इयर्स इन फिल्म, योर नंबर वन फैन फॉर एवर। बता दें आपको, बिग बी की फैन फॉलोइंग कुछ इस तरह की है कि लोग उनका सम्मान करते हैं, जो सिनेमा से जुड़े हैं वो भी, और जो बी टाउन की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं वो भी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का ट्वीट आप देख रहे होंगे, उन्होंने अपनी और महानायक अमिताभ बच्चन की एक बहुत प्यारी सी तस्वीर को शेयर किया है, और इस प्यारी सी तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, लेजेंड 50 इयर्स एंड काउंटिंग द अमिताभ बच्चन। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के इस ट्वीट से मालूम पड़ता है कि 50 साल महानायक अमिताभ बच्चन के इंडस्ट्री में पूरे हो जाने पर वो खुश हैं, और आगे भी महानायक अमिताभ बच्चन एंटरटेन करते रहें ऐसी ही वो उम्मीद लगाकर बैठी हैं। अदनान सामी लिखते हैं, सेलिब्रेटिंग हैशटैग 50 इयर्स ऑफ अमिताभ बच्चन, डियर सीनियर बच्चन जी, आई हैव लव्ड यू सिंस आई सॉ दीवार, शोले एंड अभिमान एज अ किड इन लिस्बन। द फर्स्ट फिल्म आई ओन्ड वाज अ वीएचएस ऑफ योर फिल्म नसीब। माय ड्रीम वाज टू वर्क विद यू एंड दस इट्स एन ऑनर टू बी अ माइनस्क्यूल पार्ट ऑफ योर 50 ग्लोरियस ईयर्स। अदनान सामी, और महानायक अमिताभ बच्चन का एल्बम आया था लिफ्ट करा दे कभी नहीं, और उसी को याद करते हुए अदनान सामी ने अपने दिल की बात कही है। इन्होंने बताया है कि बिग बी के साथ काम करना इनके लिए एक सपने जैसा था, और बिग बी के 50 साल बेमिसाल का एक हिस्सा बनकर वो खुश हैं। करण जौहर का ट्वीट आप देख रहे होंगे, अभिषेक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, He will remain the most inspiring story in the world of entertainment. Words alone cannot describe his achievements. We all are honored to be able to watch his genius unravel in front of our eyes. Congratulations to the proud son. यहाँ पर अभिषेक बच्चन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए करण जौहर ने अपना प्यार लुटाते हुए कहा है, अमिताभ बच्चन के 50 साल बेमिसाल अपनी आंखों के सामने देखने पर ये सब बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये सब कितना प्राउड फील करते हैं ये कहने में कि हम बच्चन के जमाने से हैं। अभिषेक बच्चन का दिल छू लेने वाला संदेश हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, इन सब ने जिस तरह से बिग बी के प्रति सम्मान दिखाया वो काबिले तारीफ है, और वाकई इस तारीफ को बिग बी डिजर्व करते हैं। बिग बी मिसाल है सबके लिए, बिग बी इंस्पिरेशन है सबके लिए।
दोस्तों इस खास पेशकश में इतना ही. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो. वी विल मीट यू गाइस सून. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस, स्टे अपडेटेड.